हेलो दोस्तों, प्रभास की अगली फिल्म सालार से जुड़ी एक अपडेट सामने आई है। रिपोर्ट्स की माने तो फिल्म के थिएटरिकल राइट्स की डील अटक चुकी है। इसकी वजह यह है कि मेकर्स ने फिल्म के लिए 200 करोड़ रुपए की डिमांड की है। हालांकि अभी तक इस मामले में मेकर्स की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सालार के मेकर्स ने थिएटरिकल राइट्स के लिए जितने करोड़ की मांग की है उतना ही पैसा RRR के मेकर्स को दिया गया था। बड़ी बात यह है कि सालार का बजट भी 200 करोड़ ही है। फिल्म के राइट्स के लिए मेकर्स ने तेलंगाना में 72 करोड़, सीडेड डिस्ट्रिक्ट में 35 करोड़ और आंध्र रीजन में 90 करोड़ रुपए की डिमांड की है। हालांकि खरीदार मेकर्स को इतना बड़ा अमाउंट को पे करने के लिए तैयार नहीं है। इसकी बड़ी वजह प्रभास की पिछली फिल्मों के प्रदर्शन को माना जा रहा है। भले ही प्रभास पैन इंडिया स्टार हैं, पर उनकी पिछली तीन फिल्में साहो, राधे श्याम और आदि पुरुष बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही हैं। प्रभास को अपने कैरियर में स्टारडम बाहुबली फ्रेंचाइजी से मिला था। उनकी आखिरी हिट फिल्म 2017 में रिलीज हुई बाहुबली 2 थी। सालार को KGF फैन डायरेक्टर प्रशांत नील ने ही डायरेक्ट किया है। हाल ही में इसका टीजर रिलीज हुआ था जिसे फैंस ने काफी पसंद किया था। फिल्म का पहला पार्ट 28 सितंबर को रिलीज होगा। इसमें प्रभास के अलावा पृथ्वीराज सुकुमारन, श्रुति हसन और टीनू आनंद और जगपति बाबू जैसे एक्ट्रेस नजर आएंगे। आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल AG फैमिली को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दें। तो मिलते हैं किसी ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।